रूमी गेट आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया है और यह लखनऊ में मौजूद है। आसफुद्दौला ने रूमी गेट बनवाया था, बड़ा इमामबाड़ा यानी भूल भुलैया बनवा रहे थे, उसी के आसपास में रूमी गेट का भी निर्माण कराया है और बहुत ही खूबसूरत रूमी गेट है और हम आपको चल के दिखाएंगे। रूमी गेट जस्ट सामने है मेरे। जिस प्रकार आपको भूल भुलैया खूबसूरत देखने में लगता है और बहुत ही प्रसिद्ध है इमारतों के मामले में, कहते हैं कि अजीमो शान इमारत है भूल भुलैया, उसी प्रकार ये जो गेट है इसका नाम है रूमी गेट और काफ़ी दूर से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जो लगभग 61 फीट का है। तो अभी चल के हम पास से आपको दिखाएंगे। रूमी गेट का निर्माण आसफुद्दौला ने 1783 के आसपास में किया था और जब भूल भुलैया यानी बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कर रहे थे उसी दौरान ये रूमी गेट का भी निर्माण उन्होंने करवाया था, जो काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। हमने भूल भुलैया का भी वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब लोग अकाल से पीड़ित थे तो उस समय, वैसे भी आप सब जानते हैं कि लखनऊ नवाबों का शहर है तो यहाँ पे नवाब शासन किया करते थे, तो नवाबों ने ही बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं। हालांकि वो ये इमारतें नहीं बनवाना चाहते थे, बनवाते तो वो मकबरा वगैरह थे लेकिन उसमें वो इमारत में तब्दील कर दिया करते थे। जैसे आप ताजमहल को ही देख लीजिए और ये भी जो आपको भूल भुलैया देखने को मिलेगा इसमें भी आपको आसफुद्दौला का ही कब्र देखने को मिलेगा। तो उसे बनवाया तो गया था दरगाह के रूप में लेकिन आज के समय में ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। अभी हम आपको रूमी गेट दिखाने जा रहे हैं। इस दरवाजे को अवध के नवाब आसफुद्दौला ने अकाल राहत योजना के अंतर्गत सन 1783 में बनवाया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। यह दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता क्योंकि यह रोड पर ही बना हुआ है। यहाँ काफ़ी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि इसके बगल में ही लखनऊ का सबसे बड़ा घंटाघर है, जिसे भारत का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है, और बड़ा इमामबाड़ा भी है जिसे भूल भुलैया कहा जाता है और भूल भुलैया में हजारों दर्शक रोज आते हैं।